हमीरपुर बस अड्डे के बाहर खोखा धारकों को हटाने के लिए प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है और इसी के चलते हाईकोर्ट में चले गए खोखा धारकों के द्वारा सड़क पर छज्जे बनाकर अतिक्रमण करने पर पीला पंजा चलाकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। दोपहर के समय की गई कार्रवाई से खोखा धारक भड़क गए और काफी देर तक माहौल गर्म रहा है। खोखा धारकों का कहना है कि 40 साल पहले खोखा बनाए गए हैं और अब कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है, लेकिन प्रशासन जबरदस्ती हटाने के लिए लगा हुआ है। खोखा धारकों ने जेसीबी के आगे बैठकर धरना दिया और प्रशासन पर जबरदस्ती काम करने के लिए आरोप लगाया। खोखा धारक वीरेंद्र मल्होत्रा ने कहा कि खोखा धारकों के साथ जबरदस्ती की जा रही है और खोखा धारकों को तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में मामला चला हुआ है, लेकिन फिर भी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को फुटपाथ बनाना है तो बनाए, लेकिन खोखा धारकों को परेशान ना किया जाए। 40 साल पहले बनी है और ये जबरदस्ती कोर्ट का स्टे होने के बावजूद जबरदस्ती इसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि हमें ना कोर्ट का ऑर्डर हमें मंजूर है, हम अपनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये जबरदस्ती करने वाला काम है। ये जो आप कोई कोई दुकान नहीं है, हमारा कोर्ट में पेश कर रहा है और कोई लगे हैं दुकानों पर, हमें किसी जिनको दुकानें मिलती हैं वो पीछे चले गए हैं दुकान वाले, उनसे भी स्टे लगे और उनको भी पीछे भी अलाउटमेंट का स्टे लगा हुआ है। आवंटन की प्रक्रिया में वो सवाल था, आवंटन का आवंटन प्रक्रिया सवाल था, जिससे आपने आवंटन कि आपको जो दुकानें सही नहीं मिली हैं, जिससे आपके घर में दुकानें मिलनी चाहिए थी, ये जो दुकानें मिली हैं अपने कैदों को दे दी उन्होंने, जो उनके साथ बंदे थे, जो अपने बंदे थे उनको अलग अलग जगह से उठा के एक जगह बिठा दिया, और जो गरीब बंदे थे वो यही है अभी अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में, लेकिन ये जबरदस्ती हमें यहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी की लैंड है तो और लैंड जो थी वो टूरिज्म विभाग की थी और उससे पहले स्कूल की थी, तो हम भी हमें भी यहाँ बैठे हुए 38-40 साल हो गए, तो ये जबरदस्ती उठाने वाला काम है और ये बाकी कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। अभी क्या बोल रहे हैं अधिकारियों का, क्या कहना है आप? ये कोर्ट आए जो हम ये जानते हैं कि अगर इनके पास छज्जे हटाने के जो आदेश हैं वो हम इनसे कॉपी मांग रहे हैं तो वो कॉपी नहीं दे रहे हैं, बाकी हमने जो कोर्ट में स्टे लिया है उसकी कॉपी हमने इसमें जमा करवा दी है, इनको इसको प्रूफ नहीं है, इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है यहाँ दुकानें हटाने के, लेकिन जबरदस्ती ये यहाँ से उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कई दुकानें इन्होंने बीच में जैसी जो है हटा फिला भी दी है। हमारी यही मांग है कि जो हमारा कोर्ट में स्टे चल रहा है उसका जो भी कार्रवाई होगी उसको वो ही हमें मान्य होगा, जो हमारे कोर्ट में चल रहा है वो ही हमें मान्य होगा।